सागर के कोलाहल में अंतर्दृष्टिवंत अकेला। महानगर के कोलाहल में अंतर्दृष्टिवंत अकेला। बाह्य व्यवस्थाएं निर्बल थी किंतु मस्त वह सुखी अकेला। जब जब सांसारिक प्रसंग आकर्षित करते अपनी ओर, मुझसे कुछ भी रखो न आशा, समझो पंगु कहे मन को। मुझसे कुछ भी रखो न आशा, समझो पंगु कहे मन को। बाह्य प्रसंगों में जुड़ते पर अंतर उदासीन परिणाम, कर्म कीच में बहे ज्ञान की निर्मल धारा अति अभिराम। प्रबल उपाधि योग बीच भी मात्र एक निज रस की चाह, परिणामों का भी न रहा रस, कहाँ गई विषयों की दाह। परिणामों का भी न रहा रस, कहाँ गई विषयों की दाह। किंतु रुचि में बसे स्वसंग। असत संग का संग वर्तता, किंतु रुचि में बसे स्वसंग। मात्र एक गुरु संग कामना, किंतु बाह्य में विष सम संग। जहाँ लगे नहीं किंचित भी मन, वही लगाना पड़ता मन। लौकिक जन से बात न करना चाहे, लेकिन खिरे वचन। लौकिक जन से बात न करना चाहे, लेकिन खिरे वचन। गुरु चरणों के लिए तड़पता मन नहीं किंतु उदय अनुकूल। गुरुवाणी की चाह रहे पर दुर्लभ स्वर्णपुरी की धूल। कभी कभी तो फूट फूट कर रो पड़ता साधक का मन। कब आएगा पुण्य योग जब मिले निरंतर गुरु दर्शन। कब आएगा पुण्य योग जब मिले निरंतर गुरु दर्शन। अरे विकल्प तुझे यदि तेरी आयु प्रिय हो तो सब छोड़। अरे विकल्प तुझे यदि तेरी आयु प्रिय हो तो सब छोड़। गुरु चरणों में ले चल मुझको या अपने को निज में मोड़। वरना उनके दिए वीत रागी शस्त्रों से तेरा हो जाएगा। यतह गुरु के चरणों में कर भव का अंत। हो जाएगा यतह गुरु के चरणों में कर भव का अंत। बाहुबली प्रभु के दर्शन का योग बना सन 53 में। महामहोत्सव में भी बस एकांत चाह रहती मन में। अर्ध निशा के सन्नाटे में ध्यान धरे प्रभु चरणों में। प्रभु की अंतर मुख मुद्रा लख डूब जाए निज घोलन में। प्रभु की अंतर मुख मुद्रा लख डूब जाए निज घोलन में। करे ध्यान पर आए हमारा, मैं क्यों करूं किसी का ध्यान। अपनापन बस ध्रुव ज्ञायक में, परिणति में पुरुषार्थ प्रधान। मैं तो यूं का यूं रहता हूं, पल पल परिणम ते परिणाम। निश्चयने का विषय देह है द्रव्य तथा पर्य का ज्ञान। निश्चयने का विषय देह है पर्यायो से पार अपरिणामी त्रैकालिक ध्रुव चित्रो। पर्यायो से पार अपरिणामी त्रैकालिक ध्रुव चित्रो।
परिणामों का भी करता नहीं ज्ञायक भाव सदा शिव भो। करना सो मरना है क्योंकि मैं अकार कारण ध्रुव धाम सहज प्रकट हो ऐसा निर्णय तो मिलता शाश्वत विश्राम। सहज प्रकट हो ऐसा निर्णय तो मिलता शाश्वत विश्राम। सहज स्वयं ही पर्यायों में निज स्वरूप रचना विराम। इच्छा तोड़ू अरु स्वरूप में जमू विकल्पों का क्या काम। सहज शुद्ध पर्यायों का भी त्रैकालिक में रहा भाव। नित्य त्रिकाली पूर्ण वस्तु में ओत प्रोत आनंद स्वभाव। नित्य त्रिकाली पूर्ण वस्तु में ओत प्रोत आनंद स्वभाव। गुरुवाणी के स्पर्श मात्र से सर्वोत्तम निधि प्राप्त हुई। गुरुवाणी के स्पर्श मात्र से सर्वोत्तम निधि प्राप्त हुई। धन्य मुमुक्षु स्वर्णपुरी के जिनको वाणी सुलभ हुई। जिन वाणी में जिसकी महिमा खूब बखानी है वह मुक्ति क्या मुझको मिलने वाली है। गुरु दर्शाते सुलभ सुयुक्ति क्या मुझको मिलने वाली है। गुरु दर्शाते सुलभ सुयुक्ति। भरत खंड का अहो अलौकिक कर्ता कर्म अधिकार महान। अनुभव रस में भीगे वक्ता श्रोता झेले वचन महान। भव्य जिनालय में नित गूंजे जिन भक्ति के सुमधुर गान। पुण्यहीन को कहां सुलभ है समवसरण सादृश्य महान। पुण्यहीन को कहां सुलभ है समवसरण सादृश्य महान। चक्रवर्ती की करे कल्पना कैसे कोई दरिद्र कहो। मैं ही हूँ भगवान रटे कैसे पामर पर आए हो। यह तो गुरुवर जैसे महापुरुष के ही वश की है बात। जिनकी सतत प्रेरणा देती अंतर वैभव की सौगात। जिनकी सतत प्रेरणा देती अंतर वैभव की सौगात। इस प्रकार अंतर घोलन की मस्ती में वे आत्म राम। निद्रा भी अति अल्प हो गई चाहे निज में ही विश्राम। मैं अपने में ही गुरुवर को सदा देखता हूँ अभिराम। भार उतरता है विकल्प का होता है अपूर्व रस पान। भार उतरता है विकल्प का होता है अपूर्व रस पान। बिना विकल्पों के कोरा आनंद ही आनंद वर्त रहा। बिना विकल्पों के कोरा आनंद ही आनंद वर्त रहा। वैकालिक गुब्बारे को अब बिना फुलाए चैन कहाँ। ज्ञानानंद सागर अथाह की लहरों में मैं खेल रहा। मैं ही मैं हूँ ऐसे अनुभव की कल्लोलों में डूबा। मैं ही मैं हूँ ऐसे अनुभव की कल्लोलों में डूबा। एक मित्र ने कहा गुरुवाणी से अनुपम बोध हुआ। एक मित्र ने कहा गुरुवाणी से अनुपम बोध हुआ। अतः गुरु को बतलाने में किंचित भी अनुचित है क्या। पुष्प महकता है उपवन में या वन में क्या अंतर है।
मिल मालिक ने कहा हमें भी समझाने घर पर आओ। मिल मालिक ने कहा हमें भी समझाने घर पर आओ। किंतु नहीं देखी जिज्ञासा अतः व्यर्थ में क्यों जाओ। यद्यपि उनको खुश करने से मिल सकता था लौकिक लाभ, किंतु धन्य है निष्प्रिय वृत्ति दिखते हैं सम लाभ अलाभ। किंतु धन्य है निष्प्रिय वृत्ति दिखते हैं सम लाभ अलाभ। सन 61 में पूज्य पिता एवं चाचा का हुआ वियोग, और असामाजिक तत्वों के शस्त्र प्रहार कभी दुर्योग। शल क्रिया तत्काल हो गई, कई माह तक का आराम, किंतु नहीं आकुलता कोई थे अत्यंत शांत परिणाम। किंतु नहीं आकुलता कोई परिणाम। मुंबई में ही रक जयंती पर गुरु दर्शन का बना प्रसंग। मुंबई में ही रक जयंती पर गुरु दर्शन का बना प्रसंग। मुक्ति दूत के अंतिम दर्शन का मानो था सहज प्रसंग। सन 64 में 7 जून को अनायास उपवास किया, सीने में कुछ दर्द पर उस पर कुछ नहीं ध्यान दिया। सीने में कुछ दर्द उठा पर उस पर कुछ नहीं ध्यान दिया। दिन भर स्वाध्याय और घोलन सायंकाल स्नान किया, बड़ी वेदना रुकी हृदय गति आत्मार्थी ने प्रस्थान किया। शांत शरीर पड़ा बिस्तर पर पुरुषार्थी निज लीन हुआ। देह के व्यर्थ बोझ से उन्हें मृत्यु ने मुक्त किया। अरे देह के व्यर्थ बोझ से उन्हें मृत्यु ने मुक्त किया। कहान को प्राप्त हुई जब देह विलय की दुखद खबर। गुरु कहान को प्राप्त हुई जब देह विलय की दुखद खबर। उनके श्री मुख से निकले तब सहज भाव से थे उद्गार। आत्मार्थी ने किया सफल ये दुर्लभ मानव जन्म, अरे देवलोक में जन्म लिया है निकट भव्य ये जीव करे। देवलोक में जन्म लिया है निकट भव्य ये जीव करे। आत्मार्थी के उद्गारों का यह अपूर्व संकलन हुआ, स्वानुभूति के रसिक जनों को द्रव्य दृष्टि प्रकाश मिला। गुरुवर ने जब देखे आत्मार्थी के ये अनुपम उद्गार, अपने प्रवचन में इनका उल्लेख करे वे बारंबार। अपने प्रवचन में इनका उल्लेख करे वे बारंबार। आत्मार्थी की अंतर दृष्टि का गुरु को विश्वास हुआ। आत्मार्थी की अंतर दृष्टि का गुरु को विश्वास हुआ। होकर भाव विभोर गुरु ने मंगल आशीर्वाद दिया। सोगाने तो गए स्वर्ग में पुनः मनुज भव पाएंगे, मुझसे भी पहले मुक्ति में वे पुरुषार्थी जाएंगे। मुझसे भी पहले मुक्ति में वे पुरुषार्थी जाएंगे।